हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाएंगे चावल के पापड़। तो इन्हें हम एक कप चावल से ही बनाएंगे। तो एक कप चावल से हम बहुत सारे पापड़ बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ये एक कप चावल लिए हुए हैं और इसे मैंने अच्छे से वॉश करके आधे घंटे के लिए रख दिया था। तो ये अच्छे से फूल चुके हैं, तो आप इसे इस तरह से देख सकते हैं, ये अच्छे से फूल भी चुके हैं। और यहाँ पे मैंने एक चम्मच तेल लिया है, ये एक चम्मच जीरा लिया है, एक चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है। तो चलिए बनाते हैं पापड़। तो अब हम जार में चावल को डाल लेते हैं। अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। अब हम देख लेते हैं, अब हमने ये चावल को अच्छे से पीस लिया है। तो अब हम इसे एक बर्तन में डाल लेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच जीरा डाल देंगे। अब हम यहाँ पे एक चम्मच नमक डालेंगे, यहाँ पे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब हम सभी को मिक्स कर देते हैं। इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें इस तरह से का घोल चाहिए, जिस तरह से कि हम डोसा बनाते हैं। तो हमें इस तरह का पापड़ बनाने के लिए ये चावल का घोल तैयार करना है। अब हम एक बड़ा यहाँ पे भगोना रख देंगे। आप चाहें तो इस पे कढ़ाई भी रख सकते हैं। अब हम इसमें दो कप पानी डाल देंगे। तो जब तक पानी में उबाल आता है तब तक हम आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। अब हमने कुछ इस तरह के ढक्कन लिए हुए हैं। आपके घर में जो भी डिब्बे हों आप उनके ढक्कन इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इस तरह की भी प्लेट ले सकते हैं। अब हम इन ढक्कनों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा देंगे इस तरह से। अब हम देख लेते हैं कि पानी में उबाल आने लगा है, तो हम इस पर एक छन्नी रख देंगे। आपके घर में जो भी छन्नी उपलब्ध हो आप उसको रख सकते हैं। अब हम एक इस तरह का ये ढक्कन लेंगे, इसमें एक चम्मच ये बैटर डाल देंगे और इस तरह से इसको चारों तरफ फैला देंगे। इसमें भी एक चम्मच डाल देंगे और इसको चारों तरफ इस तरह से फैला देंगे। अब हमने इन सभी ढक्कनों में एक एक चम्मच बैटर डाल लिया है, तो अब हम इस छन्नी पे से रख देंगे। और हम एक थाली से इसे कवर कर देंगे इस तरह से। अब हम इसे 10 सेकंड के लिए इसी तरह ढके रहने देंगे। तब तक हम दूसरे ढक्कनों में भी बैटर डाल के तैयार कर लेते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं खोल के। पापड़ तैयार हो चुके हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम इसी तरह दूसरे रख देंगे तब तक। इसे भी ढक देंगे इसी तरह से। अब जब तक वो पापड़ हमारे उस तैयार होते हैं तब तक हम इस तरह से इनको निकाल लेंगे चाकू की सहायता से। तो
तो अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे पापड़ बनके तैयार हुए हैं। अब हम इसी तरह से और भी बनाएंगे। अब हम इसे भी खोल के देख लेते हैं, ये भी पापड़ हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितने ही अच्छे बनके तैयार हुए हैं। तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हम इसी तरह आगे भी रख देंगे। देख सकते हैं कि कितने ही अच्छे पापड़ बनके तैयार हुए हैं। अब हम इसी तरह सारे पापड़ बना लेंगे। अब हमने ये पापड़ सारे बना लिए हैं और हमने इसे एक कपड़े पे डाल दिया है, तो आप इसे छाया में भी सुखा सकते हैं। तो ये देखिए कितने ही गोल पापड़ बनके तैयार हुए हैं और ये बहुत ही आसानी से झटपट आप बना सकते हैं। और आप इसे एक बार बनाएं और पूरे हफ्ते भर खाएं। तो अब हम इन्हें सुखा लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितने ही गोल पापड़ बनके तैयार हुए हैं। एक कप से 70 से 80 के लगभग पापड़ बनके तैयार हुए हैं ये, और मैंने इन्हें छाया में ही सुखाया हुआ है। ये बहुत जल्दी ही सूख जाते हैं। अब हम कुछ पापड़ सेक के दिखाएंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो अब हम इन्हें सेक के भी दिखाएंगे। अब हम इसी तरह और पापड़ सेक लेंगे। ये पापड़ एकदम से ही सफेद, सेकने के बाद सफेद हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे फूल भी जाते हैं। इसी तरह हम कुछ पापड़ सेक लेते हैं। अब हमने ये पापड़ सेक के तैयार कर लिए हैं। ये देखो कितने ही अच्छे पापड़ सेके हुए हैं। अगर आपको पापड़ बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।